हेलो स्टूडेंट, विज्ञान डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है दाब यानी कि प्रेशर। आप सभी जानते हैं कि हम कई जगह जो है वो दाब यानी कि प्रेशर का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि किसी तल पर लगने के कारण दाब जो है वो उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब तल और उस पर लगाए गए जो है वो बल पर निर्भर करता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा जो बल है वो आपका दाब कहलाता है। अर्थात दाब बराबर होता है बल बटा जो है वो क्षेत्रफल, और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे आप पास्कल जो है वो कहते हैं। और ये एक अदिश राशि है। ये क्या है कि यह एक अदिश राशि है, यह एक जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं द्रवों में दाब की। तो द्रवों में दाब की क्या है कि द्रव पदार्थों का जो का दाब जो है वो उनके भार के कारण होता है। द्रव के अणु विभिन्न दशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं, और इस कारण द्रव के अणु परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार एवं तली पर एक बल का अनुभव जो है वो करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी जो है वो बल को हम द्रव का जो है वो दाब कहते हैं। अब आती है द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। द्रव दाब संबंधी जो है वो पास्कल के नियम। तो पास्कल का जो पहला नियम था, पास्कल ने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम, पास्कल का जो पहला नियम था उसमें उन्होंने बताया कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य जो है वो माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण ना माना जाए तो समान गहराई पर स्थित सभी बिंदु पर द्रव का दाब जो है वो समान होता है। अब इसमें था पास्कल का जो है वो दूसरा नियम। पहला नियम हो गया, फिर था दूसरा नियम। तो पास्कल का दूसरा नियम क्या था कि किसी बर्तन को बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी जो है वे दिशाओं में समान यानी समान परिमाण में जो है वो संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम के अनुसार आधार पर मतलब नियम के आधार पर कई जो है वो द्रव चालित जो है वो द्रव बनाए गए हैं। और जैसे आपका हाइड्रोलिक और ब्रेक और हाइड्रोलिक आपका लिफ्ट हाइड्रोलिक प्रेस, और इस सभी हाइड्रोलिक यंत्रों की कार्यविधि द्रवों के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। दो जो है वो गुणों पर जो है वो इसमें जो है वो निर्भर करती है। पहला तो ये कि द्रव लगभग असंपीड होते हैं, अर्थात दाब देकर उसके आयतन को घटाया नहीं जा सकता है, तथा दूसरा ये कि किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। तो ये उन्होंने जो है बताया। अब हम बात करते हैं जो है वो दाब के जो है वो उदाहरण, दाब के उदाहरण। तो दाब के जो है वो उदाहरण क्या था आपके? तो दाब का जो पहला उदाहरण तो आपका ये है कि ट्रकों में चार की जगह छह टायरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे के पहियों का जो संपर्क क्षेत्र है वो बढ़ जाने से उसके द्वारा सड़क तल पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। पहला आपका ये उदाहरण हो गया। दूसरा ये उदाहरण था कि ऊंची इमारतों की नींव जो है वो चौड़ी रखी जाती है, यह उनको मिट्टी में धंसने से बचाने के लिए किया जाता है। तीसरा उदाहरण है आपका कि हम सभी अपने घरों में बैग कपड़े के थैले का प्रयोग करते हैं, जिसको कंधे पर टांग कर या रख कर बोझा आसानी से जो है ले जाया जा सकता है। इससे कंधे पर समान जो है वो दाब पड़ता है, तब हमें जो है वो बोझा अधिक जो है वो भारी नहीं लगता है। तो इसमें हम जो है क्या कहते हैं, उदाहरण में आपका जो है हम देख सकते हैं कि ऊंची इमारतों की जो नींव है,
ऊंची इमारतों के लिए चौड़ी रखी जाती है। यह उनको मिट्टी में धंसने यह उनको जो है वो मिट्टी में धंसने से बचाने के लिए धंसने से बचाने के लिए यह उनको मिट्टी में धंसने से बचाने के लिए जो है वो किया जाता है। दूसरा है आपका वही कंधे वाला है कि हम सभी अपने घरों में बैग, कपड़े का थैला जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक, कपड़े के थैले का हम प्रयोग करते हैं जिसे कंधे पर टांग कर, मतलब कंधे पर जो है वो टांग कर या रख कर, कंधे पर जो है वो टांग कर या रख कर बोझा आसानी से ले जा सकते हैं। इसे कंधे पर समान दाब पड़ता है तब हमें बोझा अधिक भारी नहीं लगता। यह हो गया आपके दाब के जो है वो उदाहरण। अब है आपका प्रभावित आपका वायु दाब। तो प्रभावित आपका वायु दाब क्या है कि समुद्र तल पर वायुमंडल का जो दाब है वो पारे के 76 जो है वो स्तंभ 76 जो है वो सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1.013 × 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणित जो है वो वायुदाब कहते हैं। इसमें पहला है कि 1 मीटर लंबी ऊंची कांच की जो है वो लंबी जो है वो नली होती है जिसका एक सिरा खुला होता है। कांच की एक लंबी नली होती है जो उसका, तो आपको पता ही कांच की इस जिसका जो है वो सिरा जो है वो एक खुला होता है। दूसरा है इसे पारे में पूरा भर लेते हैं। इसका जो पारा है वो एक तरल चमकदार धातु है जो गर्मी पाकर फैलता है। अब पारे से भरे नांद में उसे उल्टा खड़ा कर देते हैं। हम देखते हैं कि पारे का जो तल है वो नीचे गिरने लगता है और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो जाता है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसे जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक जो है वो नांद होता है उसमें जो है वो उल्टा खड़ा कर दिया जाता है। तो आप मान लीजिए ये आपका नांद है, इसमें ये आपका जो है वो पारा टाइप का भरा है, ये आपका जो है वो आपकी नली है कांच की, आपका एक तरह से नांद हो गया और ये आपकी कांच की जो है वो आपकी जो है वो एक ट्यूब हो गई। तो इसमें बताया कि पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडल दाब को व्यक्त करते हैं। इसे सरल वायुदाब मापी कहते हैं। वायुदाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। तो ये आपका सरल वायुदाब है, ये आपका सरल जो है वायुदाब जो है वो ये आपका मापी है।
आपकी ट्यूब है पर खुली रहती है वो। तो ये हो गया आपका जो है, आपका जो है वो प्रभावित जो है वो वायुदाब। तो प्रभावित वायुदाब का जो है हमने आपको बताया कि इसका जो मान होता है वो होता है प्रभावित वायुदाब का, इसका जो मान होता है वो 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या जो है 1.018 × 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जो इसका मान होता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं कि समुद्र तल जो है वो समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर, पारे के जो है वो 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के, ऊंचे स्तंभ के दाब के, स्तंभ के दाब के जो है वो बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मान जो है वो एक इतने से इतने सेंटीमीटर तक होता है और इसे जो है प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। तो यह आज आपका जो टॉपिक था आप दाब, इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि दाब क्या है और द्रवों में दाब का दाब बताया कैसे क्या है, और उसके पास्कल के हमने आपको नियम बताए, और दाब के जो है आपके जो है वो उदाहरण बताए, और जो है वो प्रभावित प्रमाणिक क्या कहते हैं आपका जो है वो आपका जो है बताया जो है वो कि प्रमाणिक वायुदाब क्या होता है, प्रमाणिक लिखा है। प्रमाणिक जो है आपका जो है वो वायुदाब आपका क्या है और सरल वायुदाब मापिका, इसमें हमने आपको छोटा सा उदाहरण देकर हमने आपको जो है वो बताया। तो ये था आपका जो है वो क्या कहते हैं आपका दाब, और ये जो चैप्टर है, ये जो आपका जो टॉपिक था वो यहीं से जो है वो समाप्त होता है।